हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो हैं सुनील कुमार। उन्होंने कमेंट किया था कि भाई यहाँ पे प्लम्बर की ड्यूटी यानी कि सैलरी कितनी है, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा उनकी सैलरी कितनी है। अगर आप लोग यहाँ के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सुनील कुमार जी की, जो कि मुझे उन्होंने कमेंट किया था। तो अभी मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूं और मैंने देखा कमेंट, तो मैंने सोचा कि आज से मैं एक एक लोग का कमेंट पूरा करूंगा। तो अगर मैं किसी का ना कर पाऊंगा तो सॉरी बोलना चाहता हूं। तो मैं ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा, अगर अच्छा कमेंट रहेगा तो मैं पूरा कर दूंगा और वीडियो बना के आप तक शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में जो बात कर रहे हैं हम। तो चलिए बात करते हैं जो प्लम्बर की यहाँ पर ड्यूटी होती है। अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 18 नंबर का वीज़ा मिलना चाहिए। आप लोग 20 नंबर के वीज़ा पे प्लम्बर का काम कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ पे चेकिंग हो गई, जैसे चेकिंग वगैरह चलती है यहाँ पे पुलिस वगैरह की, अगर आप लोग पकड़े जाओगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ तक कि आपको सीधे आपके देश भेज दिया जा सकता है, इंडिया वगैरह। आप किस भी कंट्री से हो, यानी कि इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से अगर आप हो और बाहर में अगर आप काम करते हो तो आपको सीधे आपके देश इंडिया जैसे किसी भी कंट्री में आपको भेज दिया जाएगा। जैसे अगर आपको 18 नंबर वीज़ा है, जैसे मेरा नंबर तो बाहर का है तो मैं किधर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरी जगह जैसे मैं काम करता हूँ कंपनी वगैरह में, लेकिन मेरा काम यहाँ पे दूसरा है और मेरा काम जो है कि दूसरा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चुपके से काम करते हैं तो यहाँ पे ऐसा रहता है। तो मैं बात अब कर लेता हूँ टॉपिक की तरफ, जो कि प्लम्बर की ड्यूटी जो कि होती है 9 घंटा होती है। यहाँ पे मेरी कंपनी में लोग प्लम्बर भी हैं, यहाँ पे जो मेरी कंपनी है पैकन मूव, यहाँ पे अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा गूगल में। यहाँ पे इंडिया के लोग भी हैं प्लम्बर के। मैं उससे बात किया, पूरी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन ली, तब मैंने आपको ये वीडियो बनाई। तो उन्होंने बताया कि हम लोग भाई 8 बजे जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे चले जाते हैं। तो ड्यूटी हो जाती है, 8-9 घंटा ड्यूटी हो जाती है, ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। और मैं आपको सैलरी बताऊँगा कितनी होती है और टाइम कितना मिलता है। तो चलिए बात ही कर लेता हूँ सैलरी के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा भाई का कमेंट था, मैंने देखा कि भाई कमेंट करके बताइए, यानी कि जवाब दीजिए। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं कि भाई हमें उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप लोग यहां पे आते हो कंपनी वगैरह में प्लम्बर के लिए, जैसे हमारी कंपनी होती है, हमारी नहीं और कोई बहुत ही कंपनी कुवैत में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग वहां पे कंपनी में आते हो तो आप लोग को बहुत ही अच्छा यहां पे काम मिलेगा। और प्लम्बर की जो ड्यूटी होती है 8 से 9 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अगर आप लोग 9 घंटा से ज़्यादा करोगे तो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटा का, 1 दिनार से लेकर 2 दिनार तक दिया जाता है, जो कि हमारे इंडिया का बन जाता है 500 रुपया बन जाता है, 1 घंटा का 500 रुपया बन जाता है। जान लो यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा है। और यहाँ पे कोती लोग जो होते हैं, और किसी भी कोती हो गए, मसरी हो गए या हमारे इंडिया के लोग हो गए, अगर आप लोग ओवर टाइम करते हो तो आपको महीना के एंडों में पूरा जो कि ओवर टाइम बन जाएगा, जैसे 1 महीने में 30 या 15 ओवर टाइम करोगे तो पूरा टोटल करके आपको अलग से उसको पैसा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पैसा नहीं देंगे, आपको ओवर टाइम करा लेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लोग काम करते हैं। कुछ परसेंट ऐसा है जहाँ पे ओवर टाइम नहीं देते हैं, बस ओवर टाइम करा लेते हैं, ये तो पूरी दुनिया में ऐसा है। या अच्छा काम करोगे तो आपको पैसा हो सकता ना मिले। और सैलरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो प्लम्बर की सैलरी होती है 150 दिनार से लेकर 180 दिनार तक होती है। मेरी कंपनी में एक इंडिया का बंदा है, वो आंध्र प्रदेश का है, उसकी ड्यूटी रहती है 8 घंटा बस, और काम भी ज़्यादा नहीं रहता है, बस थोड़ा मोड़ा काम है कंपनी में। कंपनी में तो ऐसा रहता है, कभी कभी काम बहुत ही ज़्यादा है, कभी कभी काम ही नहीं है। तो वो बोला कि भाई हमारी ड्यूटी जो कि है सुबह में 8 बजे आते हैं, बोला भाई मुझे, मैं सुबह में 8 बजे आता हूँ, फिर शाम को 4 बजे मैं अपने रूम पर चला जाता हूँ। तो 180 दिनार है और रूम कंपनी का, ऐसा कुछ भी नहीं कि आप बाहर रहोगे, अगर आप लोग बाहर रहोगे तो आपको फ़ायदा नहीं है, लेकिन कंपनी ने उनको रूम दे दिया है। 180 दिनार उनकी जेब में जाता है, बाकी कंपनी का रूम है और खाना टिप वगैरह थोड़ा मिल जाता है, तो महीने में उनका 180 दिनार बच जाता है आराम से। और मोबाइल वगैरह चार्जों का जो पैसा अलग लगता है वो 10-20 दिनार जोड़ लीजिए, और खाने पीने का ऐसा पैसा लगता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, बाय।